हजारीबाग में निजी कोचिंग संगठन का एक प्रतिनिधिमंडल सदर विधायक मनीष जायसवाल से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपकर कोचिंग संस्थानों को खुलवाने की मांग की। निजी कोचिंग संगठन हजारीबाग के सम्मानित सदस्यगण विधायक मनीष जायसवाल जी से मिलने के लिए गए। हम लोगों ने विधायक महोदय के पास कोचिंग संस्थानों की समस्याओं से उन्हें अवगत करवाया। विगत 9 महीनों से कोचिंग संस्थान बंद हैं, जिसके कारण कोचिंग संचालकगण आर्थिक बदहाली का सामना कर रहे हैं। हमें घर बैठे शिक्षकों, बिजली बिल, अन्य प्रकार के टैक्स, कर्मचारियों को वेतन देना पड़ रहा है और साथ ही साथ उससे भी खराब स्थिति यह है कि विद्यार्थियों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। आगामी 12वीं की परीक्षाएं होने वाली हैं, विशेष तौर पर विज्ञान के विद्यार्थियों को बहुत परेशानी हो रही है। प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी, कई प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन होने वाला है, उनमें भी विद्यार्थी घर में बैठे बैठे नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित हो रहे हैं। देखिए, इनकी बात को गवर्नमेंट्स के पास हम लोग रखेंगे और कोशिश करेंगे। आपका डिमांड सही है, जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं पर एक्सपोज तो हो ही रहे हैं कोरोना के, ये में घर में नहीं बैठे हैं, आइसोलेशन में नहीं है, तो अगर ऐसे में अगर वो स्कूल कॉलेज नहीं जा रहे हैं तो कम से कम अगर कोचिंग सेंटर्स या अदर स्टडीज का जहाँ पर ये है वहाँ पर अगर जा रहे हो, और अगर कोचिंग सेंटर्स जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन या जो COVID-19 का जो गाइडलाइन है गवर्नमेंट का, उसको उसके तहत अगर बच्चों को पढ़ाती है तो ये एक अच्छी पहल है। तो मेरा झारखंड के सरकार से भी, हम लोग आपके एसोसिएशन के लोगों को भी ले चलेंगे मिलने के लिए और प्रयास करेंगे कि जो आपका डिमांड है वो खुले।